सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का एक पाठ। पाठ का शीर्षक है जोड़ा सांकों वाला घर। उत्तरी कलकत्ता की एक छोटी सी अंधी गली में एक अजीब सा मकान है। उसमें बहुत सी चक्करदार सीढ़ियां हैं जो दरवाजों वाले अनजाने कमरों तक जाती हैं, और उसमें ऊंची नीची जमीन पर अलग थलग छज्जे और चबूतरे हैं। सामने के कमरे और बरामदे बड़े बड़े और खूबसूरत हैं। उनका फर्श संगमरमर का है। लंबी खिड़कियों में रंगीन कांच लगे हुए हैं। उस अहाते में कुछ और बड़े बड़े मकान हैं। घास का मैदान है, बजरी का रास्ता है और फूलों वाली झाड़ियां हैं। पूरी जगह को ऊंची चार दीवारी ने घेर रखा है। उसमें दो बहुत बड़े फाटक हैं जो अंधी गली में खुलते हैं। कलकत्ता के लोग इसे टैगोर भवन कहते हैं। अब से लगभग 200 बरस पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में ये मकान बना था। छोटी सी गली और उसका नन्हा सा शिव मंदिर भी पुराना है। उस सारी जगह पर पुरानेपन की छाप आज भी मौजूद है। सकरी गली जहां बड़ी सड़क से जा मिलती थी, उसके कोने पर एक छोटा अहाता दिखाई पड़ता था। उसमें पीतल के बने चिड़ियों के अड्डों की एक कतार थी और हर अड्डे पर भड़कीले रंगों वाला एक एक काकातुआ था। उनकी कड़वी तीखी चीख चिल्लाहट की आवाज चारों ओर गूंजती रहती थी। अड़ोस पड़ोस की सारी जगह कुछ अजीब और गैर मामूली ढंग की थी। टैगोर परिवार तभी से इसमें रहता था। बीच बीच में वे लोग इसमें बढ़ोतरी भी करते जाते थे। आज से 100 बरस पहले बरसाती मौसम के तीसरे पहर एक खूबसूरत लड़का खिड़की से झुककर बेचैनी के साथ
पानी से भरी गली की ओर देख रहा था। उसने मामूली सूती कपड़े और सस्ते स्लीपरों की जोड़ी पहन रखी थी। उसके केश कुछ ज्यादा ही लंबे थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे कितने ही दिनों से उसकी हजामत ना हुई हो। कुछ लोगों का कहना था कि वो लड़की जैसा दिखता था। एक बार उसके स्कूल के एक साथी ने ये अफवाह फैला दी कि वो सचमुच एक लड़की ही है जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती है। इस बात को साबित करने के लिए उसके साथियों ने उसे चाय पीने के लिए बुलाया। उन लोगों ने उसे एक ऊंचे बेंच पर से कूदने को मजबूर किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि लड़कियां नीचे उतरते समय पहले बायां पैर उठाती हैं। वो कूद तो गया, लेकिन बहुत दिनों बाद तक उसे उस चाय पार्टी के बारे में कोई संदेह नहीं हुआ। लड़के का नाम रविंद्रनाथ या संक्षेप में रवि था। बरसाती मौसम के एक तीसरे पहर 8 साल का रवि अपने मास्टर के आने की राह देख रहा था। वो मन ही मन चाह रहा था कि पानी भरी सड़कों के कारण मास्टर जी ना आ पाए, लेकिन अफसोस, वक्त की पूरी पाबंदी के साथ उसकी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़क के मोड़ पर पैबंद लगा एक काला छाता दिख पड़ा। अब अपनी किताबें लेकर नीचे के एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में जा बैठने के सिवा और कोई उपाय ना था। उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, लेकिन रात में देर तक पढ़ना था। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, यहाँ तक कि आदमी के शरीर की हड्डियों की जानकारी पाने के लिए उसे एक नर कंकाल को भी हाथ लगाना पड़ता था। ये अजीब सी बात थी कि मास्टर जी के जाते ही उसकी आंखों की नींद गायब हो गई। उस जमाने में बिजली की बत्तियां नहीं थीं, यहां तक कि गैस की रोशनी का भी ज्यादा चलन नहीं था। पानी के नल का भी कोई पता नहीं था। नीचे के एक अंधेरे कमरे में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, मिट्टी के घड़ों में भरकर साल भर के लिए पीने का पानी इकट्ठा किया जाता था। नन्हा रवि जब कभी उस कमरे में झांकता उसका बदन सिहर उठता था। लेकिन घर वालों को नदी का भरपूर पानी मिल जाता था, क्योंकि सीधे गंगा से नहर खोदकर पिछवाड़े के बगीचे और अहाते में लाई गई थी। जब बाढ़ का पानी चढ़ आता तो रवि बड़े अचरज और बड़ी खुशी से कल कल छल छल करती नदी के पानी को देखा करता था, जो सूरज की किरणों से रोशनी लेकर चमक चमक उठता था। Oh,
कभी-कभी छोटी मछलियां धारा के साथ बह आती थीं और उस छोटे से तालाब में फिसल जाती थीं जिसमें चाचा ने सुनहरी मछलियां पाल रखी थीं। छोटी मछलियों के साथ रवि का दिल भी उछल पड़ता था। सचमुच वो अचरज भरा मकान था। ताड़ी करूं तो देरी हो जावे, लोगों की भीड़ से भरा हुआ। फूल नहीं है ठाकुर बाड़ी के पूरे ताड़पुरी ऐसे हो गए। पिता, माता, चाचा, चाचियां, भाई, बहनें, चचेरे भाई, भाभियां, दोस्त, दोस्तों के दोस्त, कलाकार, गाने बजाने वाले, लेखक, सभी थे वहां। चोलून, चोलून, अब ये घर शांति निकेतन का एक हिस्सा है। रवि जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा शांति निकेतन में बिताया। शांति निकेतन में उसने अपना निज का स्कूल बनवाया। ये जगत प्रसिद्ध शांति निकेतन विश्वविद्यालय के एक अंग के रूप में आज भी वहां मौजूद है। जोड़ा सांकों वाला घर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पाठ समन्वय डॉ. लता पांडे, आलेख लीला मजूमदार, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।